हेलो हेलो, हाय हेलो हाय, मोनिका, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बताओ। इसी सॉरी आपको ऐसे ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए। कोई नहीं, बताओ। एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करूँ। जो भी मतलब मेरी प्रॉब्लम है उस एक्चुअली मेरा क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। क्योंकि अभी मैंने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है जो कि मेरी चॉइस बिल्कुल नहीं थी, मेरे डैड की थी। एंड बट मेरा है स्टार्टिंग से, ये जब FLP भी ज्वाइन की थी स्टार्टिंग में, मेरा स्टार्टिंग से यही है कि मेरे को अपना कुछ करना है अलग से। बिकॉज मैं किसी के अंडर ऐसे कभी काम कर नहीं सकती है। मैंने आपसे पहले ही बात कर रखी है इस रिगार्ड में, आपको अगर याद हो तो मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। बट ये है कि मेरा अब ये सिचुएशन चल रहा है कि मेरे DMLT में लैब टेक्नीशियन के उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जिसकी जॉब वगैरह करती हूँ मेरा मन नहीं लगता तो मैं वहाँ से छोड़ देती हूँ। बट अब मेरा ये है कि मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरा उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है बट मैं ऑनलाइन कुछ करना चाहती हूँ, बट नॉट SLP एक्चुअली, बट खुद का कुछ हो। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले सोचा भी एक इंस्टाग्राम वगैरह से, फिर उसके बाद यूट्यूब स्टार्ट करने का, समथिंग लाइक मार्केट वगैरह। बट मार्केट का आइडिया मेरे को इतना सही नहीं लगा क्योंकि उससे एक होता है ना पर्सनल ब्रांड समथिंग, उससे मुझे लगा कि उससे वो क्रिएट नहीं होगा, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ऊपर से फिर कुछ दिनों पहले मेरे मेरे डैड की कुछ बात, लाइक कि अब तो मुझे कुछ करना ही है, क्या करना है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे को समझ नहीं आता मैं किससे बात करूँ इस रिलेटेड। बट आपका ख्याल है कि क्या हम एक्चुअली हाँ, बैक आ रही है? मुझे भी मतलब बहुत अच्छे से नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है मेरी वॉइस? ठीक है। हाँ, अब मेरे को समझ नहीं है क्या करूँ। और मैं और किसी से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस टाइप की पर्सन हूँ। मतलब मेरे को ज्यादा नॉन लोगों से अपनी कुछ पर्सनल बातें या कुछ भी ऐसे शेयर करना पसंद नहीं है। प्लीज आप मेरे को थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हो कुछ, बिकॉज मैं नहीं तो अभी बहुत जॉब कर रहे कंफ्यूज हो आप? हूँ। नहीं अभी मैं नहीं कर रही। तो मतलब अभी आप फ्री हो बिल्कुल? हाँ बिल्कुल फ्री हूँ, इसलिए तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब वगैरह करूँ, बट उसमें भी समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। नहीं तो अभी देखिए, एक तो प्लेटफॉर्म आपके सामने है ही, फॉरएवर, वहां से आप कर सकते हो। अगर फॉरएवर करना है तो ठीक, नहीं तो फिर गर्ल्स सबसे अच्छा इंस्टाग्राम पे कर रही हैं। रील्स बनाओ, ठीक है, और चाहे क्रिंज कंटेंट ही बनाना हो लेकिन बनाओ, क्योंकि वहीं से ही बहुत लोगों ने अपना प्रोफेशन बना लिया इसी चीज को। बिल्कुल, क्योंकि काफी अच्छी ब्रांडिंग हो रही है लोगों की आजकल इंस्टाग्राम पे, और कहीं ना कहीं मेरे मतलब को चाहिए कि हाँ मेरा कुछ हो, बट इस तरह से नहीं कि क्रिंज वैसे कुछ हो। देखो, मुझे चाहिए कि हाँ रिस्पेक्ट भी साइड बाय साइड हो। रिस्पेक्टिवली स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताऊं। हर कोई कोई क्रिंज, अभी आप कितने बड़े बड़े सब क्रिंज से उठे हैं, कोई कोई से उठे हैं। हाँ, स्टार्ट कर सकते हो आप इस चीज से, बट ये नहीं कह रहा मैं अपना पूरा करियर क्रिंज में बना लो, फिर उसको मतलब आप डेविएट कर सकते हो। जैसे हमारा क्या है, हमने भी फॉरएवर स्टार्ट करी, बट ये थोड़ी हम पूरा फॉरएवर ही करते हैं। फॉरएवर के अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ खोल दी। फिर तो ऐसा थोड़ी है कि खाली एमएलएम वाले दिखते हैं हम, कि एमएलएम वाले ही हैं बस। बट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पहले मिलो, लो कोई भी, और उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करो। बट स्टार्टिंग पॉइंट ठीक हाँ, है फिर स्टार्टिंग बट पॉइंट, अब आप बहुत मेरा। सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखो, अभी आप जॉब नहीं कर रहे, राइट? तो जो भी ठीक। आपने लैब टेक्नीशियन में जो भी सीखा है, वहाँ पे बहुत कुछ हाँ सीखा हाँ होगा। उसमें हाँ क्या होता है, मतलब वो ब्लड टेस्ट वगैरह तो होता हाँ ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, है ना, ये सब चीज़ यूरिन टेस्ट होती वगैरह, हैं। तो आ आंसू तुम्हें वगैरह सब कुछ सब। पता होगा कि कितना होना चाहिए, कौन सा पफ, क्या एवरेज हाँ होता है, क्या पुअर। इसी का चैनल बना दो एक। हाँ राइट। हाँ, हेलो, माय नेम इज दिस, और मैं आज आपको फ्री में सारी नॉलेज देने वाली हूँ। तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आज मैं बताती हूँ आपकी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है उसकी क्या खासियत होती है और क्या नुकसान होते हैं, वो बता दो। एक वीडियो बन गई, नेक्स्ट वीडियो में मैं बी पॉजिटिव की बताऊंगी। तो 5-6 वीडियोस तो ये बन गई, ठीक है। और ये कुछ ऐसी वीडियोस होती है एक्चुअली ना, ऐसे खासियत वगैरह कुछ पता नहीं चलती ब्लड ग्रुप से। मतलब वो तो यार, वो तो आपका कॉल है, आप जो भी देखोगे मतलब
मतलब मैं तो आपको एक टॉपिक सुझा रहा हूँ कि इस टाइप से टॉपिक बना सकते हो। एक्चुअली ये कंटेंट ना ठीक शेयरेबल कंटेंट होता है, एक बार किसी के व्हाट्सएप ग्रुप पे चढ़ गया ना तो इतना शेयर होगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे। एंड यूट्यूब इज अ वेरी ठीक है, बेस्ट गुड प्लेटफॉर्म जिससे लोग आपसे कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं। आपने वहाँ पे कुछ तो ऐसा सीखा होगा ना कि आप लोगों को दे सकते हो, हाँ वो तो है ना? है। तो बस वही चीज बेचनी है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट चीजें हो जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ट्राई टू थिंक, मतलब ट्राई, मैं भी हमेशा कैसी चीजें करता हूँ, मैं हमेशा ऐसी चीजें करने की ट्राई करता हूँ कि हाँ, मैं हमेशा ऐसी चीजें ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मेरे को आता है, वो मैं एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दूँ। मैं YouTube वीडियोस क्यों बनाता हूँ, ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ कि मुझे रिकरेंट काम ना करना पड़े बार बार। मतलब एक काम मैंने अभी आपको बता दिया है ना, मे बी ऐसा हो सकता है मैं यही कॉल रिकॉर्डिंग ना अपने YouTube पे डाल दूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पे और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये ज्ञान पता नहीं कितने लोगों को चाहिए, है ना? तो मैं हमेशा ऐसा काम करना चाहता हूँ, स्मार्ट वर्क, मतलब कि एक बार कर दिया वो बस हो गया, उसके बाद मुझे वही चीज दोबारा ना करनी पड़े। तो अभी बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, देखो हमने तो फॉरएवर से स्टार्ट किया था, ठीक है? हमें बहुत लोगों ने बोला, रहे तुम तो एमएलएम वाले हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, उनको नहीं पता कितना पर्सनल ब्रांड बना लिया हमने इसी चीज से। आज पता नहीं नॉट ओनली इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से भी स्पॉन्सरशिप आ रही है हमारे पास। हम लोगों को दिखाते ही तो नहीं है, हम लोग ज्यादा शो ऑफ ही तो नहीं करते कि यार हमारे पास ये है वो है, लेकिन वी डू हैव एवरीथिंग, ठीक है? मैं यही बोलना चाहूंगा, जो एक्चुअल आपको आता है वो लोगों को दिखाना स्टार्ट, सिखाना स्टार्ट करो। और ये हेल्थ का निश तो इतना बढ़िया निश है, आपको जो भी वहाँ पे लैब लैब टेक्नीशियन में आपने जो भी सीखा है, ब्लड में कौन कौन से ब्लड होते हैं ये तो बताया जाता होगा ना वहाँ पे, कौन कौन से ब्लड होते हैं और कौन सा ब्लड आप किसको दे सकते हो, ये सब चीजें हाँ, ऑलरेडी वैसे ये तो यूट्यूब पे काफी कॉमन है होगा, बट कॉमन है ना, फिर भी स्टार्ट करो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक दो वीडियो चलेंगी, क्योंकि एकदम वीडियोस नहीं चलेंगी यूट्यूब वीडियोस, उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें भी तो टाइम कोई लगता है। एक ऐसा कुछ बता सकते हो कि जिसमें मैं फर्स्ट अपना फेस रिवील ना करूं, बिकॉज अभी मैं जो भी हाँ स्टार्ट कर तो रही हूँ, यूट्यूब सोच वीडियो इज द रही बेस्ट हूँ। प्लेटफॉर्म ना, उस पर फेस रिवील क्यों कर, स्क्रीन शेयर करो, फेस रिवील ही मत करो, वॉइस ओवर करो पीछे से। देखो करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कत ये है करने वाले नहीं है, और हाँ बट दिक्कत दिक्कत ये भी है कि करना तो लोग बहुत चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। एक ये भी दिक्कत है कि समझ नहीं आता क्या करे, कंफ्यूज। मैं पता पहले कभी कंफ्यूज नहीं होती, इवन दो कोई भी मेरे सामने आएगा, मैं वो ऐसी लड़की कि हाँ मैं उसको समझा सकती हूँ कि हाँ तो एक काम कर, ये कर वो कर। दूसरों के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बट जब खुद की बारी आती इस है इस इसको ही बोलते हैं ज्ञान देना, ज्ञान देने में एक्सपर्ट हो बहुत लेकिन काम करने में एक्सपर्ट नहीं हो, है ना? तो वो चीज होती है। अभी सबसे बढ़िया सिनेरियो क्या चल रहा है, जो भी आता है सिखाना स्टार्ट कर दो लोगों को, सबसे बेस्ट थिंग है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो अब यूट्यूब बनाओ, उसी को आधा आधा काट काट के अपना इंस्टाग्राम पे डालते रहो। लेकिन यहाँ पे मतलब फेस रिवील तो इंस्टाग्राम पे तो करना ही पड़ेगा, यूट्यूब पर फिर भी एक बार चला सकते हो, ऐसे कि फेस बिना फेस रिवील करे आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हो। आप देखो ना बहुत सारी लड़कियां तो मतलब कोई BSC की क्लासेस दे रही है, कोई किसी चीज की क्लास दे रही है, कोई किसी की क्लास दे रही है, यूट्यूब पे बना देना लोगों ने बट चैनल पता खड़े है कर क्या देना। इस चीज में, बट इस चीज में पता है एक है मेरे, उसमें मतलब मेरी फ्रेंड की बहन है वो, उसने ऐसी टीचिंग का स्टार्ट किया था बट उसका कुछ हुआ नहीं। तो मेरे को ये भी डर लगता है कि यार अगर बाय चांस कुछ हुआ नहीं है तो क्या उसके हो गया? बाद में, क्योंकि मैंने जब फॉरएवर किया था उस टाइम पे, मेरी फैमिली ने बिल्कुल ही उस टाइम पे किया ही कहाँ मतलब था आपने, तो आपने तो ज्वाइन ही साथ किया था बस, उसके अलावा किया ही क्या था? नहीं, मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था उसके अंदर, मैं मिस्टर बाबर के उसमें थी, अंडर थी जब उस टाइम पे, तो अच्छा, किया था मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मैंने आप, इवन लेकिन वो मैंने आपको प्रोडक्ट्स एक्टिव वगैरह देखा सेल नहीं, भी मतलब कराए हमारे थे। ग्रुप में मैंने आपको कभी एक्टिव देखा ही नहीं ज्यादा कि हाँ ये कोई। एक्चुअली अच्छा मैं मिस्टर बाबर के आने से पहले किसी और के अंडर थी अच्छा 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 उसमें, हाँ उसमें मैंने किया। फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पे मतलब एक होता है ना मिसलीड वगैरह करना हाँ, मिसलीड तो कि बहुत लोग, लोग करते हैं, ये तो है, हाँ उसमें इसमें कोई बहुत इशू नहीं ज्यादा है। था। फिर उसके बाद मेरे को मेरी एक स्कूल टीचर थी, तो उनके मतलब जीजू वगैरह लगते हैं मिस्टर बाबर, तो मैंने उनके थ्रू उनसे कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद मेरी फैमिली ने सपोर्ट करना ही बंद कर दिया, देखो और आपके बाद इससे हमारी टीम में मतलब ना बहुत सारी लड़कियां आई, ठीक है? और आप अभी ग्रुप में हो, आप हाँ तो आप वहां देखते रहते होंगे, बहुत सारी लड़कियां हाँ हैं, इनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया, सोचो तो कर रहे हैं ना। देखो करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो दिन में काम स्टार्ट हो जाए, नहीं होता। मेरी भी 55 वीडियो स्टार्टिंग की फ्लॉप हुई थी, मैं भी टूट चुका था, कहने का नहीं यार ये क्या, मैं क्या कर दिया, ये सब चीज समझ नहीं आ रहा। बट वो ना लगे रहते हैं, जब लगे रहते हैं ना, लगे रहते हैं लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत यही है लोगों में आजकल, सोचते बहुत हैं और
एक मंकी माइंड हो रहा है आजकल ना लोगों का। एफिलिएट मार्केटिंग का किसी का चेक देख लिया, ओ बे ये तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी है। किसी का नेटवर्क मार्केटिंग का देख लिया, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। किसी किसी का इंस्टाग्राम पे देख लिया, किसी कुछ, मतलब लोगों की हाँ सोशल हाँ मीडिया पे फेक चीजें देख देख के लोग इतने ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं कि पूछो मत। इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि उनको लगता है कि सब रियल है, ये नहीं दिखता कि हाँ भाई नहीं नहीं रियल नहीं है। अगर है भी तो है, अभी अभी मैंने एक YouTube पे ये वीडियो डाली, आज एक एक चीज उस पर देखना एक बार। अभी रिसेंटली गलत वीडियो डाली है मैंने, अभी 11 बजे, तो उसको देखो एक बार कि कैसे है। YouTube 28 दिन में 3.5 लाख रुपए दिखा रहा है। मेरा एक्चुअल में अर्निंग इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी दिखा रहा है, तो लोग मेरे को समझ में आया। क्यों? अभी देखना, मैंने वीडियो डाली है एक, अभी ग्रुप पे डाली है, ओके उसमें देखना कि एक्चुअल ओके क्या चीज़ है, किस टाइप का। मतलब यूट्यूब पे भी स्कैम करने लगे लोग, दिखाते हैं 3.5 लाख रुपए, एक्चुअल 2200 रुपए है, और वहां पे दिखेगा आपको 3.5 लाख रुपए। तो ये सारी चीजें हैं। खैर ये तो मतलब आउट ऑफ टॉपिक हो गया, अभी हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं इस चीज की। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा, जो एक्चुअल आपको आता है अभी तक दुनिया में जो भी सीखा है उसको लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो, और एक निश पकड़ो बस। अगर हेल्थ का निश पकड़ रहे हो तो हेल्थ का निश, मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया आपका निश यही रहेगा कि मतलब इन जो भी आपका लैपटॉप टेक्नीशियन में जो भी आपने सीखा है वहां पे, उसी को ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से लोगों को बताना स्टार्ट कर दो यूट्यूब पे, विदाउट फेस रिवीलिंग। बट मेरी प्रॉब्लम यही तो है, मेरा लैब टेक्नीशियन के उसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं की है बात कौन कह कि रहा है, अभी तो आपको मेरा पर्सनल ब्रांड ये बनाना है नहीं ना। है। फिर हाँ तो उसके लिए तो कुछ पकड़ना ही पड़ेगा ना, इसके अलावा क्या आता है फिर ये बताओ। शॉपिंग शॉपिंग मेरी सबसे फेवरेट चीज शॉपिंग तो शॉपिंग में है। खर्चा मैंने होगा ना। सोचा था, मैंने भी ऐसे पता है सोचा था कि ऐसे मार्केट जाऊंगी, अभी कल की ही बात है, मैंने जिसकी कुछ दिनों पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को करना है करना है करना है। फिर उसके बाद मैंने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को बुला लिया दोस्ती कि चल तू मेरे साथ वीडियो वगैरह शूट कर रही हो वहाँ पे। फिर मैं मार्केट गई, मैंने वहाँ पे जाके देखा, बट उसके अंदर ये चीज़ देखी मैंने कि अगर तुम शॉपकीपर से कुछ खरीदोगे नहीं ना तो बंदा आपको शूट तक नहीं, एक छोटी सी क्लिप भी नहीं करने देगा। बट ये और उसके बताऊँ, ये अंदर मैं तो इस चीज़ को रिकमेंड आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे बकवास चीज़ है, मैं तुम्हें तभी तो बताऊँ, मैंने फिर और अपना इतनी प्लान मेहनत चेंज वाली है कि कर पूछो मत। जिस दिया। दिन अगर मान के चलो वापस लॉकडाउन लग गया, बिजनेस खत्म आपका, हाँ वही तो। तो कुछ ऐसा करो जो मतलब डिपेंडेंट ना हो किसी पे। अब ये जो यूट्यूब वीडियो बनाने का काम है जिसमें कि आपको फेस भी रिवील नहीं करना, किसी पे डिपेंडेंट है क्या, किसी पे भी? अगर अगर मैं ऐसा करूं कि पहले इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी पब्लिसिटी, वो जो ऐसे नहीं होती, फॉलोअर्स वगैरह नहीं होती। गेन करके फिर नहीं इंस्टाग्राम पे होती तो फॉलोअर्स गेन जल्दी से हो ही नहीं पाएंगे, यूट्यूब फिर भी आपको दे देगा लेकिन इंस्टाग्राम नहीं देगा, ठीक है। और जो ये वैसे भी आप पता निश है। पकड़ रहे हो तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन वाला निश है। हाँ नहीं नहीं कोई फायदा नहीं, सबसे बढ़िया मैं तो ये बोलूंगा हेल्थ के उसमें घुस जाओ। मतलब देखो, हमें एक ऐसे स्मार्ट वर्कर बनना है कि अगर हम एक यूट्यूब वीडियो भी बना रहे हैं ना, तो यूट्यूब से तो पैसा आए आए, लेकिन उसमें भी कुछ बेच दें हम लोगों को, तब आता है पैसा। हम YouTube पे वीडियो क्यों बनाते हैं? हम क्या मतलब, चलो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, सब चीज़ ठीक है, बट हमें क्या YouTube वीडियो से लीड जनरेट होती? हमें क्या प्रॉफिट जनरेट नहीं होता? तो वो ट्राई तो टू बी है। ए स्मार्ट वर्कर, कि मतलब यार ये सोचो कि अगर एक काम भी कर रहे हैं तो एक तीर से तीन चार निशाने कैसे लगेंगे, ये सोचो, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आप शॉपिंग वाली चीजें करने लगो तो एकदम ब्रांड डील्स आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगी। नहीं भाई, बहुत तगड़ा निश है उसमें। इंस्टाग्राम पर देखो लड़कियां कैसे कैसे कर रही हैं, उनको बीट कर पाना बड़ा वही तो मुश्किल है, नहीं करना, उनको बीट जो करना मुश्किल है। लड़कियां फिर भी बीट करना भी मुश्किल है, बट उस टाइप का मुझे ये गानों पे डांस वगैरह करना और ये हरकतें करना मेरे को नहीं पसंद जैसे आपने शॉपिंग वाला नहीं बोला ना, तो ऐसे में शॉपिंग वाले भी काफी लोग जा रहे है। हैं, सब खूब खूब लोग कर रही हैं, हाँ आज ज़ारा चले गए, आज ये कर लिया वो कर लिया, तो उसमें खर्चा होगा भाई, और फिर आपके पास पैसे भी नहीं होंगे, ये वही भी बात है ना। उसके लिए खर्चा भी, तो, खर्चे कोई करने के लिए दिक्कत नहीं है, डैड पैसे की दिक्कत नहीं है। से ले लूँ मेरी कितने लोगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 1 महीने ले वही तो लोगे, 6 महीने ले लिमिटेड में ही लोगे, ले लेंगे, 1 साल तक ले लोगे, फिर क्या करोगे? वही तो दिक्कत है मेरे को। पता है मेरा ये नहीं है कि हाँ पैसे की वजह से दिक्कत नहीं है हुआ, बट वो पता है एक होता है ना कि अपना खुद करना, क्योंकि मेरे डैड ने मेरे को सासी दी एक किसी बात पे बोला कि तू करती क्या है, पूरे दिन पड़े रहो खाते रहो, हाँ जॉब वगैरह तुमसे होनी नहीं है, ये है वो है, तुम छोड़ के आ जाते हो, वो वहाँ का मुझे एनवायरमेंट अच्छा नहीं लगा, मेरे को ये मतलब मैं बहाने बना के आ जाती थी वहाँ से कि मेरे को नहीं करनी, मेरे को एनवायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा,
एक्चुअली मेरा ये था कि हाँ मेरा वहाँ पे मन ही नहीं है ये लैब टेक्नीशियन का करने का, तो हेल्थ में बिल्कुल तो भी यार इंटरेस्ट नहीं है आपका? एज अ हेल्थ कंसल्टेंट बन जाओ, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। और एक बार हेल्थ अगर आप इस चीज में बन गए, तो इसमें आप अपना फिर कुछ स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर तो बहुत सारे मतलब ब्रांड आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास, अगर मतलब आप इस चीज में निकल गए तो। सीरियसली बता रहा हूँ, ये शॉपिंग वॉपिंग सब फालतू की चीजें हैं, हेल्थ में घुसो, हेल्थ में बहुत पैसा है और मतलब जैसे बहुत एक ही। दो और आप सजेस्ट कर सकते हो, जिसकी एक फर्स्ट हेल्थ हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा कुछ, मतलब मतलब कोई मतलब एक निश वगैरह जिसकी आपने एक हेल्थ की आपने उनको सजेस्ट की, समथिंग हेल्थ की तो मैंने इसलिए सजेस्ट की ना कि एक्चुअली आपको निश ऑलरेडी है, मतलब बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड है आपका, आपको नॉलेज है, क्योंकि किसी कोई और निश पकड़ोगे ना पहले उसमें सीखोगे, और इंसान सीखने में टूट जाता है। आपको पता है मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में ज्यादा एडिट नहीं करता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं एक वीडियो के चक्कर में अगर एडिट में लग गया ना, तो फिर मैं और वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। मैं कहा हटाओ यार, इसको रो रखो, जैसा है ठीक है, लोगों को नॉर्मल दिखना चाहिए बिल्कुल, और उस हिसाब से हम कर देते हैं। तो जितनी चीजों को सिंपल रखने की ट्राई करोगे, उतना रिजल्ट आपको अच्छा आएगा, और आप मोमेंटम में रहोगे। जितना सिंपल हो सके करो, और हमेशा उसी चीज पर ध्यान दो। देखो अभी नई चीजें सीख पाना एकदम बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो आता है उसी को ही शार्पन करो, उसी को ही लोगों के सामने रखो। बहुत बढ़िया चीज है, मतलब ये लाल लाल पैथोलॉजी वगैरह ये सब खूब पैसे छाप रहे हैं लोग, ये वीडियोस बना बना के भी। तो जब आपको वो सारी चीजें आती हैं, किसी पर डिपेंडेंट रहना नहीं है, क्योंकि देखो एक बहुत बड़ी चीज है मार्केट में कि अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो रहे हो ना, तो भी दिक्कत है। ठीक है, अब जैसे हम फॉरएवर करते हैं, बट हम फुल्ली फॉरएवर पर डिपेंडेंट थोड़ी है। कल को फॉरएवर अगर चली जाए तो क्या ऐसा, क्या हम मतलब पैसे कमाना बंद कर देंगे? नहीं, है ना? तो कभी भी आपका जो भी बिजनेस चल रहा है वो सिर्फ आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तभी बनेगा पर्सनल ब्रांड। तो एक हेल्थ एक्सपर्ट बन जाओ, आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे, फिर किसी के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होगे, कंपनी आपको अप्रोच करेंगे, फिर कह रहे वो हेल्थ एक्सपर्ट है, उससे बात करते हैं एक बार। जैसे आप खून वगैरह की जांच वगैरह करते थे, तो उसमें तो सिम्टम्स तो आते होंगे कुछ, कि मलेरिया के ये हाँ सिम्टम्स होते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो कितनी बढ़िया चीज है, लोग सुनना चाहते हैं घर बैठे। क्या मेरे ना शरीर में हड़कल सी हो रही है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना यार कि मतलब शिवरिंग मेरा शिवरिंग हाँ शिवरिंग टाइप हो रही है, या फिर कह सकते हो कि मेरा बीपी बहुत बहुत जल्दी लो हो जाता है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं? आपको पता होगा ना कि खून में किस चीज की लैक कमी की ऑफ वजह स्लीप से। वगैरह ये सब हो अब सकता देखो है। ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ पता नहीं, बट ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हो आप, इससे पैसा बना सकते हो आप। कि लोगों का बीपी लो क्यों रहता है, एक वीडियो बन गई थी आपने, उसमें बता दिया, फेस भी रिवील नहीं किया, एक वीडियो दूर हो आप वायरल होने से। एक बार किसी के व्हाट्सएप के हत्या चढ़ गई वो वीडियो, मतलब व्हाट्सएप जो फैमिली ग्रुप्स होते हैं उसमें चढ़ गई, फिर तो ऐसे नहीं शेयर होती है वीडियो की, पूछो मत। और घर की लेडीज सारे बैठे दिन क्या करती हैं? ये तो करती हैं, सारे दिन फोन चलाती हैं, मेरी मम्मी खुद फोन चलाती हैं सारे दिन, सारे दिन यूट्यूब पे कुछ देख लिया, फिर इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, खाना पीना बना लिया, फिर अपने फोन में लग गए, देखे जा रहे हैं ना वो भी सब। लेकिन लोग वो चीज देखते हैं या तो जिसमें मजा आ रहा हो देखने में, एंटरटेनमेंट हो रहा हो, या फिर काम की बात हो। ज्ञान कोई नहीं सुन रहा, आप ज्ञान दोगे ज्यादा नहीं सुन रहा, लेकिन हेल्थ से, हेल्थ का ज्ञान हर कोई लेता है, हेल्थ का ज्ञान हर कोई लेता है। हाँ ये तो मैंने देखा है, हर जगह देखा ही मैंने आप इनफैक्ट। बता सकते हो कोलेस्ट्रॉल के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस, मतलब ये तो पता ही होगा, फिर थोड़ी बहुत स्टडी कर लो जब आपका बैकग्राउंड ये है। अब वो बताओ ना लोगों को, तो बहुत मतलब चलती है वीडियोस। सोचो मैंने एक सिर्फ आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि कैसे मैंने अपना डाइजेशन ठीक किया, अब वो वीडियो इतनी चलती है, एक बार बना के डाल दी, उससे लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, अब मेरे से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, मैं उनसे उनसे चार्ज ले रहा हूँ पहले तो, ठीक है। और अगर फिर मैं उनको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पिच करता हूँ, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर मतलब रिटेल हो गए, और पैसा, मैं तो नहीं जा रहा ना किसी के पास, मेरी वीडियो जा रही है किसी के पास, ठीक है। तो हेल्थ वाली चीजें बहुत चलती हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा आप हेल्थ से रिलेटेड ही करो जो भी कर रहे हैं, क्योंकि और किसी निश में घुसोगे कंपटीशन बहुत सीवियर है हर चीज में, बट यहाँ पे आप निकल सकते हो क्योंकि आपको नॉलेज है। ये सही, हमने सही आपके पास कॉल कर लिया।
रियली कंफ्यूज थी मैं, पता नहीं क्या करूँ क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। ये फिर आपके मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं था है, कि 95% लोग ये प्रॉब्लम है, 95 पता ही नहीं है क्या मैं करना पहले, है। पता है मैं अब कंफ्यूज रहने लगी, वरना मेरे को पहले ये था कि हाँ मुझे ये करना है तो मतलब करना है चाहे कोई कुछ भी बोले। बट अब जब जैसे देखती हूँ ना फैमिली वगैरह में जिसके रहने लगते हैं, तो हर एक की मतलब उसकी देख के करना पड़ता है कि हाँ डैड का ये है ये है ये है, तो इसके अंदर अगर ये फिट होता है तो कर लेते हैं, नहीं होता है तो चलो छोड़ो। एक सेक्रीफाइस नाम की एक चीज आ जाती है अंदर। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको ट्राई करिए, या फिर 2 महीने बाद मेरे को कॉल करना कि मैंने 40 वीडियोस डाल दिया अप्रॉक्स। लेकिन इतनी वीडियोस डालनी पड़ेंगी, ये मत सोचना कि 5-10 वीडियो डाली और हो गया काम। एटलीस्ट 50 वीडियोस के बाद चैनल थोड़ा सा उठना चालू होता है, फिफ्टी ओके वीडियोस के बाद। बट ये एक हर एक वीडियो इज इट्स जस्ट लाइक अ, मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं अगर यूट्यूब पे कोई एक वीडियो डाल रहा हूँ ना, तो इट ये जस्ट मैंने एक लैंड खरीद ली, और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसका रेट हमेशा इंक्रीज ही होते हैं। तो एक वीडियो अगर डाल दी तो उसके व्यूज इंक्रीज ही होंगे, कभी डिक्रीज नहीं होंगे, उससे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज ही होंगे, उसमें लाइक इंक्रीज ही होंगे, उसमें कमेंट्स इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज नहीं हो सकते। आज अगर 5 लाइक है तो कल 6 लाइक होंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं, आज अगर 5 व्यूज हैं तो कल 6 व्यूज ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 2 व्यूज ही रह गए, उसमें व्यूज तो बढ़ेंगे ही। फिर मतलब मैं अगर जिसके यूट्यूब पे जिसकी हेल्थ का ये करूँ, तो मतलब मैं किस वे में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँ कि हाँ लोग आके देखें अब वही तो सोचना है आपको एज कि पर क्या ऐसे दे योर, सकते हो लोगों को। एक्सपीरियंस। नहीं थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा ना वही फिर बताया ना मैंने कि कोलेस्ट्रॉल के क्या सिम्टम्स हैं। डायरेक्ट ऐसी। हाँ और क्या, पहले तो ये चीज देखो, पहले तो एक आपको प्रोमो बनाना पड़ेगा अपने चैनल का कि हाय माय नेम इज दिस, और मैं ये करती हूँ, और आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। पहले लोगों को बता दो पहले कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, छोटी सी वीडियो पहले इसकी बना दो कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें हेल्थ रिलेटेड आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, जो भी मैंने अभी तक सीखा है। अब आप अपने जो भी लैब में, जिस लैब में थे, वहां पे जो भी सारे केसेस हैं, उन सारे केस को पकड़ो, उठाओ और सबकी मतलब बताना स्टार्ट करो। आप ऐसे ही बता सकते हो कि रिपोर्ट कैसे चेक करें, जैसे किसी की ब्लड रिपोर्ट आ गई तो उसमें लिखा है HG, फिर मतलब कुछ भी जो लिखा है, लोगों को नहीं पता ना, क्या पता आपकी वीडियो को देख ले कि यार ब्लड मतलब कोई भी अगर ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसको कैसे खुद से ही मतलब कंक्लूजन पर निकल जाए, खुद खुद रिजल्ट कैसे निकाल लें उससे, कि इसे कंसल्ट ना करना पड़े। तो आप उसको बता सकते हो कि देखिए चलिए आज मैं लाइव दिखाती हूँ कि ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, और इसमें इसका इनका ये प्रॉब्लम है, इसमें इतना नॉर्मल होना चाहिए था बट ये थोड़ा सा ज्यादा है। बट ये वन टाइम चीज है, एक बार हो गई तो फिर मतलब बहुत आगे जा सकती है वीडियो से। और मैंने, मेरा एक और क्वेश्चन है फिर, और मैंने है ना मतलब बहुत लोगों के जिसकी मैंने अभी रिसेंट में मतलब देखना चालू किया था कि जिन जिन लोगों ने जो स्टार्टअप किया था यूट्यूब का, तो उसके अंदर क्या था कुछ लोगों ने मतलब एक दो वीडियोस डाले, उसमें ना ही व्यूज इतने थे ना ही वो मतलब वो क्या कहते हैं हाँ उनको होगा, सब्सक्राइबर वगैरह इतने थे, बट उनके पे एड वगैरह ये सब आ रही थी, हाँ तो आने तो कोई बट कुछ दिक्कत नहीं लोगों पे नहीं थी। बट मेरे को ये पूछना कि ये कैसे होता है एड वगैरह है। ऐड का, तो मतलब एक्चुअली अब सब पे इतने आने कम लगे, इसमें सब पे आने लगे। अब ऐड सब पे आने लगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो चाहे ना हो। देखो अगर आप यहाँ पे अर्निंग पर्पज से आ रहे हो यूट्यूब पे, तो अर्निंग थोड़ी यूट्यूब पे कम रहती है, बट पर्सनल ब्रांड बहुत जल्दी इंक्रीज होता है यूट्यूब पे। तो मेन पर्सनल ब्रांड कर दो, पर्सनल ब्रांड बन गया तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी। हाँ तो बस हाँ वो तो है। तो वैसे ही करो, बाकी फिर 2 महीने बाद मेरे को कॉल करके बताना जरूर कि कहाँ तक पहुँचा, क्या है, कैसे है सीन। ठीक है, ओके मतलब कोई एक निश पकड़ो, फिर 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक उस निश पर लगे रहो, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। फिर 6 महीने एक निश को दे दो पहले अच्छे से, कि भाई 6 महीने मुझे सिर्फ यही करना है बस। तो लेकिन लोगों को क्वालिटी देनी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो, लोगों को क्वालिटी देनी है, लोग सुने कि यार नहीं यार उसकी वीडियो बहुत अच्छी आती है तो उसकी वीडियो देखते हैं। ओके ठीक ठीक है चलो फिर मिलते हैं 2 महीने बाद, मैं फोन करना मुझे, फिर बताना कैसा रहा एक्सपीरियंस। ओके ओके एंड ठीक है थैंक चलो, यू सो मच। ओके 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 थैंक यू बाय। बाय।